हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंग्लिश की वर्कशीट क्लास फर्स्ट के लिए। आप भी इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं ताकि उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको सारे वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द मिसिंग लेटर्स। देखिए यहाँ पे आर ई डी, ये कौन सा कलर है? रेड। तो यहाँ पे क्या आएगा? आर ई डी, रेड। सॉरी, ई मैंने पहले ही बोल दिया, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? ई, आर ई डी, रेड। ये हो जाएगा हमारा ग्रीन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ब्लैक, बी एल ए सी के। हमें बच्चों को बोलना है कि वो उनको लाउड वॉइस में पढ़े ताकि उनको जो स्पेलिंग है वो भी लर्न हो जाए। वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, येलो। ये कौन सा कलर है? व्हाइट, डब्ल्यू एच आई टी ई, व्हाइट। और ये हमारा बनेगा ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम आर। सो सबसे पहले हमारा है कबीर। कबीर के साथ हम क्या करेंगे? जो कबीर है वो सिंगल है, एक है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे इज। कबीर इज रनिंग। वी ब्लैंक यूनाइटेड, तो वी के साथ क्या आता है? आर आता है, तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे? वी आर यूनाइटेड, हम एक है। आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम। आई एम प्लेइंग टेनिस। यू आर लाफिंग, यू के साथ क्या आता है? आर। शी के साथ क्या आएगा? इज। ही, शी और जो भी थर्ड पर्सन है वो हमारे थर्ड पर्सन, मतलब जब हम, मैं आप के बारे में या अपने बारे में बात ना करके किसी अदर पर्सन के बारे में बात करती हूं तो वो थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ हम यूज करते हैं इज का। सो यू आर लाफिंग एंड शी इज अ गुड गर्ल। जॉय एंड राज आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए और एन इन द ब्लैंक्स। ये आर्टिकल है, सो जो भी वोवल साउंड होता है उनके साथ आता है आर्टिकल एन, और जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड है उनके साथ आता है आर्टिकल ए। सो यहाँ पे गर्ल, जी जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, सो जो जी है वो, सॉरी, राइट ए और एन इन द ब्लैंक्स। देखिए ये आर्टिकल है, आर्टिकल ए आता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और आर्टिकल एन आता है वोवल साउंड के साथ, तो गर्ल के साथ क्या आएगा? जो जी है वो कॉन्सोनेंट है, तो गर्ल के साथ आएगा ए, अ गर्ल। यहाँ पे आएगा एन ओक्स, क्योंकि जो ये ओ जो है वो वोवल है, ओ से शुरू हो रहा है। एग, ये वोवल साउंड है ई, सो एन एग। अ टेबल और अ वैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो की का क्या हो जाएगा? कीज। की का क्या हो जाएगा? कीज। मैंगो का मैंगोज, ईएस लगाएंगे हम। फ्रॉग का फ्रॉग्स, बेबी का बेबीज। वाई को रिमूव करके हम क्या लिखेंगे? आईईएस। पटेटो का पटेटोज, ईएस लगाएंगे। सो अगर आपका लेटर ओ पे फिनिश होता है, लास्ट वर्ड आपका, सॉरी लास्ट लेटर अगर आपका ओ है, तो आप क्या करेंगे? ईएस ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नाउन इन द सुटेबल कॉलम। यहाँ पे मैंने कुछ नाउन्स लिखे हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हैं, और हमें इनको अच्छे से फाइंड आउट करके लिखना है कि ये पर्सन का नेम है, प्लेस या एनिमल या थिंग्स का नेम है। सो जो टेम्पल है, टेम्पल किसका दिखाता है हमें? कि ये प्लेस है, टेम्पल जो नेम है वो प्लेस को शो करता है। बैग किसका में आएगा? आपका थिंग्स में आएगा। एक्चुअली नाउन क्या है? अगर हम नाउन की डेफिनेशन देना चाहें, नाउन इज अ वर्ड, है ना, नाउन इज अ वर्ड दैट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो सकता है। उसके बाद लायन, जो लायन है वो एनिमल नेम है। उसके बाद डॉक्टर, डॉक्टर हम पर्सन को कहेंगे, ठीक है, डॉक्टर एक व्यक्ति है, सो वहां पे जो डॉक्टर वो पर्सन वाले जो कॉलम है उसमें आएगा। उसके बाद शेफ, ये भी पर्सन वाले कॉलम में आएगा। बैल जो है वो थिंग है। डॉग एनिमल है। रोहित पर्सन का नेम है। पार्क प्लेस। रूम जो है वो भी प्लेस है। कॉकरोच एनिमल में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम अलग अलग जो कॉलम है उनमें लिख देंगे फाइंड आउट करके सभी नाउन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द जेंडर। बॉय का क्या हो जाएगा? गर्ल। लड़का
लड़की, किंग का क्या हो जाएगा क्वीन, ठीक है, अंकल का क्या हो जाएगा आंट, लायन का क्या हो जाएगा लाइनेस, बुल का क्या हो जाएगा काऊ, बुल का क्या होता है काऊ. एड आई एन जी टू दीज डूइंग वर्ड्स, जैसे ईट, ईट मतलब होता है खाना, लेकिन अगर हम लिखते हैं ईटिंग सो इसका मतलब खा रहा है, हमें आई एन जी लगाना है. ड्रिंक का क्या हो जाएगा ड्रिंकिंग, जब हम इनमें आई एन जी जोड़ देंगे तो ये डूइंग वर्ड बन जाएंगे. क्या बन जाएंगे डूइंग वर्ड, जो कि किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे. बिना आई एन जी लगाए ये सब क्या है, ये वर्ब है, ठीक है. वर्ब में हमने आई एन जी लगा दिया तो ये डूइंग वर्ब बन गई, डूइंग वर्ड्स बन गए. स्लीप, स्लीपिंग. रीड, रीडिंग. जंप, जंपिंग. सो आज की इस वर्कशीट में इतना, होप यू लाइक द वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें. टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी. वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि मौसम जो है वो खराब है.